मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ सजेशन के पांचवे एपिसोड में। हर सजेशन में एक नई पर्सनालिटी को आपके बीच लेके आते हैं, एक नए सजेशन और एक नए संदेश के साथ। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। आज हमारे साथ एडमिरल मल्होत्रा जी हैं, जिन्होंने 1952 में इंडियन नेवी को ज्वाइन किया और आज जब उन्होंने अपनी सेवा से निवृत्त ले लिया है, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। एडमिरल मल्होत्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा सर, क्या इंस्पायर किया आपको इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए? इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्पायर ये किया कि एक एडवेंचर जो था, जहाँ जिस स्कूल से मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास किया, उस स्कूल में एडवेंचर की बात बहुत होती थी। और जब मैं स्कूल पास करने के बाद हमारे अंग्रेज प्रिंसिपल थे, उनके साथ भी यही बात होती थी कि आपको जीवन में क्या करना है। तो सोचा था कि डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे। उस वक्त सिविल सर्विस, रेलवे सर्विस और डिफेंस सर्विस, ये तीन ही थी, बाकी कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा सामने नज़र नहीं आई। तो हमने सोचा कि तीनों में से जो सबसे अच्छी लगती है वो डिफेंस सर्विसेज है। और डिफेंस सर्विसेज के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं करनी थी, एयरफोर्स का शौक नहीं था, इसलिए हमने कहा कि नौसेना जाएंगे हम, नेवी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी क्योंकि उनकी वर्दी बहुत स्मार्ट है, यूनिफॉर्म नौजवानों के लिए एक वर्दी स्मार्ट होनी ज़रूरी है। और फिर ये भी लगा कि हम बाहर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, तो इसलिए हमको और समुद्र की लहरों पर जाके हमको एक एक्सप्लोर करना था कि वो भी एक ऐसा जीवन है जहाँ समुद्र की हवा, समुद्र की वर्दी और समुद्र की नए नए चीज़ों को देखना, विदेश भी जाना, तो ये हमको बहुत इंटरेस्ट किया। कैसा रहा है सफ़र आपका? ऐसा इससे सफ़र बहुत ही तजुर्बेकार रहा है और इसमें अपनी उमंग बहुत थी कि हम आगे बढ़ें। काफ़ी सीख समुद्र में भी गए, विदेश भी घूमे और अपनी नेवी का जो डिसिप्लिन था, क्योंकि शिप के अंदर बिना डिसिप्लिन के आप आगे बढ़ नहीं सकते। एक टीम में काम करने का मज़ा आया। और ये भी देखा कि हम लोग सब अब शिप के अंदर, अगर शिप में कोई गोला बारूद लगेगा तो या तो शिप डूबेगा, सब मरेंगे, या सब जिएंगे। तो जब ये सामने आता है तो ऐसे ही लगा कि हम सबको साथ ही काम करके अपने शिप को भी बचाना है, दुश्मन को मारना है और अपनी टीम के साथ ही काम करते कि हमारा ये भविष्य वो ही था। तो टीम लीडिंग आपने वहाँ से सीखा? बिल्कुल सीखा, टीम लीडर और सच्चाई सीखी, ये दोनों चीज़ें हमने वहीं से सीखी। हमको थोड़ा बहुत स्कूल से भी मालूम था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हमको करने का एक तरीका हुआ। आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या इंस्पायर किया कि बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया आपने? क्योंकि इस एज में लोग आराम करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया, वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपके पास? ये कोई ऐसा काम नहीं है, एक जीवन के अंदर एक मकसद बनता है कि समाज में भी कुछ काम करना चाहिए। तो शुरुआत में मैंने ये सोचा कि मुझे पर्यावरण में काम करना है, एनवायरनमेंट। इस वक्त ये गरीब बच्चों का नहीं सोचा था, लेकिन इस सेक्टर के अंदर जब आपने देखा, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, यहाँ गार्बेज उठता है, यहाँ घरों से उठता है, इन सब चीज़ों में बहुत योगदान रहा है, मेरा भी रहा, मेरी पत्नी का भी रहा। और हमने ये सोचा कि जब एनवायरनमेंट अगर अच्छी रहेगी तो हम अच्छे माहौल में जी सकते हैं। अब इसको यहाँ से शुरू किया हमने और एनवायरनमेंट का मैं आज भी बड़ा मददगार हूँ, योगदान देता हूँ जहाँ भी, और बच्चों से भी बात करता हूँ। और नेचर एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान नेचर को भूल जाएगा तो सिर्फ पैसों के साथ खेलना और ज़्यादा कमाई में जाना और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना, वो एक अच्छा इंसानियत, इंसान का जीवन नहीं। आपकी बातें मुझे चिपको मोमेंट की याद दिला रही हैं, जहाँ पे लोग ट्रीज़ को बचाने के लिए अपना जान देने को तैयार थे। बहुत अच्छी बात बोली है, नेचर से हमें प्यार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाट इंस्पायर यू टू वर्क फॉर द चिल्ड्रन? बच्चे के लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसा
क्या चीज़ है जो आपको मजबूर किया बच्चों के लिए काम करना है? और स्कूल आफ्टर स्कूल यू सेड कि स्कूल के बाद एक नया स्कूल होता है आपका, वो कैसे इसकी सोच कहाँ से आई आपके पास? ये लक्ष्य हमारा जब बना, क्योंकि अब जैसे हम यूज टू हैं कि हम एक्सरसाइज करना जानते हैं, सुबह जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, पहले जब थोड़ी और उम्र पहले छोटी थी तो हम लोग भाग भी लेते थे, रन भी कर लेते थे, वॉक भी कर लेते थे, और लोगों से पार्क में मिलने का मुझे अच्छा लगता था कि हम बात करें, शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को बताएं, पर्यावरण की बात करें, मतलब जीवन में सोशल एक्शन एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन हमने देखा कि हमारे पार्क के अंदर जिसमें हम घूमते थे रोज़, वहाँ पे कुछ लोग, एक दरगाह है, उस दरगाह पे बच्चे भीख मांगते थे। हालांकि आज हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम उनकी भीख की बात कहते नहीं, इतिहास हो गया, उसको हमने दबा दिया। हम उनको कभी ये फीलिंग नहीं देते कि वो कभी वो भीख ही मांगते थे। लेकिन ऐसे ही एक्सीडेंट, एक हमारे जो स्कूल जो शुरू हुआ, ये एक एक्सीडेंट था लाइफ का, कि एक और सज्जन जिसका नाम सुनील राजदान है, मेरे को फाउंडर, और मैं दोनों ही दरगाह पे हम मिले, अनजाने में मिले, ना वो मुझे पहचानते ना मैं उसको पहचानता, पहले पहचानते हुए मैंने उनसे ये कहा कि आप ये जो बच्चों को दे रहे हो, इनको कमज़ोर बना रहे हैं, और अगर हम इनकी शिक्षा के लिए कुछ ऐसा काम करें ताकि ये कमज़ोर ना रहें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के अंदर कमज़ोरियाँ बहुत, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ डिसीशन मेकिंग की वजह से। तो वहाँ हम लोग मुलाकात किए, तो जब शुरू शुरू तो जब मैंने ये सवाल सुनील राजदान से किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जैसे कि आप कौन होते हैं मुझे बताने के लिए, अक्सर सोसाइटी में ऐसे ही होता है। लेकिन इस तुरंत एक 10 सेकंड के अंदर ही कहेंगे हाँ मैं आपकी बात को कबूल करता हूँ, और मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ शुरू करूँ, करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ शुरू करूँ। मैंने कहा अगर आप वाकई शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको साथ देने को तैयार हूँ। तो वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई और वहीं से ज्ञान शक्ति विद्यालय शुरू हुआ। ये ईयर 2006 में था, जब से हम 2016 में आ गए हैं, 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं। तो 10 साल का इतिहास ज्ञान शक्ति स्कूल का रहा है, क्या स्ट्रगल ज्ञान शक्ति स्कूल ने देखा है? ज्ञान शक्ति विद्यालय ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि एक तो हमें नहीं मालूम कि झुग्गियों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, उनका परिवार का माहौल और पार का माहौल दो अलग एक अलग इन्वायरमेंट है। तो हमने जब ये बच्चे को शुरू किया था तो हमने धीरे धीरे करके हमने उनसे माँ बाप से भी संपर्क किया, तो ये पता लगा कि इनका माहौल वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम पास में स्कूल चलाएंगे तो जो हमारा माहौल अच्छा बनेगा वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का बुरा असर और यहाँ का अच्छा असर जब तक आपस में तालमेल नहीं होगा, जब तक बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे कि ये माहौल अच्छा है या वो माहौल अच्छा है, उन्हें नहीं मालूम रहेगा। तो एक स्ट्रगल थी, क्योंकि माँ बाप क्योंकि अनपढ़ हैं, बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, वो उनके बच्चे क्योंकि खुद अपनी रोज़गारी में बिजी रहते हैं, तो इसलिए बच्चों की देख रेख बहुत कमज़ोर झुग्गियों में रहने वालों की। फिर हमने धीरे धीरे उन्हें भी समझाना शुरू किया, फिर उन्हें इस माहौल के अंदर ही पता लगने लगा कि उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे इस माहौल के अंदर, तो उन्होंने इनको मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट देना भी शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग इस पॉइंट्स को जीते गए, आगे बढ़ते गए, उनका भी सहयोग हमको मिलता गया। लेकिन फिर उनके जो सोशल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि अब दुनिया में दारू पीते हैं, बीवियों को मारते हैं, ये सब जितने भी सोशल प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर नज़र आते हैं या कहीं भी इंसानी तौर से, ये सब हमको नज़र आए। लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, अब बच्चों को पढ़ाने से उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उनके माँ बाप को बढ़ गया, रिवर्स भी हो गया। अच्छे बच्चे बनने के लिए जो माँ बाप ने देखा कि हमारे लड़के लड़कियाँ दोनों अच्छे बन रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा सहयोग उनको मिला। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि ना कि सिर्फ लड़के, इनकी लड़कियां भी बहुत होशियार हैं और बहुत पढ़ने की ओर उनका ध्यान अच्छा बन चुका है।
अब एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि अब जैसे कि हमारे समाज के अंदर लड़कियों की पढ़ाई की ओर ज़्यादा गौर नहीं दी जाती, लेकिन हमारे ज्ञान शक्ति विद्यालय में लड़कों की पढ़ाई में उतने ही सहयोग दिया जाता है जितना लड़कों को किया जाता है। ये हमारी एक अचीवमेंट है। और फिर क्योंकि लड़कियों को ना पढ़ाने की वजह एक और भी है कि ये तो पराए घर में जाएंगी तो इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, चार पांच क्लास 13-14 साल की है तो शादी करो और क्या इनको विदाई करो। हमने इन लड़कियों को इतना मजबूत बना दिया है अपनी बातों से, अपनी काउंसलिंग से, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कि अब लड़कियां अपने माँ बाप को जल्दी शादी के लिए सुनने को तैयार नहीं। जब तक उन आप सेल्फ रिलायंट ना हो जाएं, कुछ अपनी रोज़गारी कमाने के लायक ना हो जाएं, जब तक उनको शादी करने की कोई इच्छा नहीं। और खुशी की बात यह है कि इनके माँ बाप भी इस चीज़ को ज़्यादा तादाद के अंदर कबूल करने लगे। आपका इनिशिएटिव तारीफ़ काबिल है। आपने अलग अलग इनिशिएटिव की बात की है, आपने स्ट्रीट प्ले की बात करी, बोला कि 9 साल में 8 स्ट्रीट प्ले हो चुके हैं, उसको क्यों महत्व देते हैं आप, उसका क्या रोल आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? उसका थिएटर का महत्व हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम यकीनन देखते हैं कि जो बच्चे जो युवा थिएटर के थ्रू जाते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनकी जो भाषा और बात करने का जो रवैया बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। उनको शाई फील नहीं करते, डर नहीं लगता, वो बात अपने साथियों के साथ बात कर सकते हैं, लड़के लड़कियों में तालमेल बहुत अच्छा बनता है क्योंकि मिल के काम करते हैं। तो डायलॉग बोलने से एक तो ज्ञान आता है उनको, अगर कोई थिएटर करेंगे तो नॉलेज आती है, नॉलेज के साथ वो डिलीवरी करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है उनको, तो वो हमको बहुत अच्छा भी लगा और अचीवमेंट भी किया। मैं गर्व से ये कहूँगा कि इनका पहला ही प्ले जो 8 साल पहले था हमारा, जिसका नाम था वो खूब लड़ी मरवानी वो थी झांसी वाली रानी, ये जब इन्होंने प्ले किया हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ऑफिसर्स को बुलाया तो उन्होंने इसको इतना पसंद किया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया और कहा कि ये टैलेंट बहुत अच्छा है। उसी साल फिर जश्न बचपन एक उनका थिएटर प्ले आते जो है तो हमको उन्होंने इंक्लूड किया उसमें और हमारे बच्चों ने बहुत नायक की बहुत अच्छा नाम कमाया। खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, जैसा कि अभी मल्होत्रा सर ने कहा, लड़कियों को हमारे देश में उतनी तजरबूत दी नहीं जाती, लेकिन हमारे देश में औरतों और लड़कियों का इतिहास रहा है, बहुत सपोर्ट किया है। इनके बिना हम आज भी असहन हैं और इनके बिना हम आज भी कमज़ोर हैं। हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको तजरबू देना बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को फैलाइए, अधिकार सबका है, पढ़नाइए सबको, चाहे लड़की हो या लड़का हो। एडमिरल मल्होत्रा को कोई ज़रूरत नहीं है इस उम्र में देश के लिए काम करने की, इन बच्चों के लिए काम करने की, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि इनको ने एक अभी बात बोला, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस होना चाहिए। मेरा देश है, मेरा एक दायित्व होना चाहिए अपने देश के प्रति, जो ये निभा रहे हैं। मुझे लगता है एडमिरल मल्होत्रा जो इस एज में कर रहे हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे और इनकी स्टोरी सच में इंस्पायर है। मैं और पूरी टीम इनको सैल्यूट करते हैं इनके काम के लिए। नए सजेशन के एपिसोड के लिए नए सक्सेस के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को और एडमिरल मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।